नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जी हां दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार के एक नई वैकेंसी के बारे में, यानी कि जबरदस्त वैकेंसी निकल के आ रही है 2600+ पदों पे। बात करें योग्यता की, अगर आप मैट्रिक इंटर स्नातक पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सैलरी की बात करते हैं 10,000 से लेकर 50,000 तक इसमें सैलरी रखा गया अलग अलग पद के लिए, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देरी के बिना करते हैं वीडियो का स्टार्ट। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या क्या जानकारी मांगे। अगर आप मैट्रिक पास है तो किस पद के लिए आवेदन करेंगे, इंटर पास है तो किस पद के लिए आवेदन करेंगे, हर एक जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार का आपको हमेशा अपडेट वीडियो मिल सके। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी समझने के लिए सबसे पहले आप इस वाले वेबसाइट पे आना, जो वीडियो डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया है, जिस उस पर क्लिक करेंगे बिहार का नंबर वन एजुकेशन वेबसाइट बिहार एयर के ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे और यहाँ पे आएंगे तो लेटेस्ट जॉब के एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसी में देखेंगे तो फर्स्ट वाला आर्टिकल आपको दिखाई देगा, BSPHCL वैकेंसी 2024, इस पे आपको क्लिक कर देना है। हालांकि डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिंक दिया है डायरेक्टली इस वाले पोस्ट का हमने लिंक दे रखा है ताकि जिस उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पे चलेगा। अब इस वैकेंसी के रिगार्डिंग अच्छी तरह से इस पोस्ट में बताएगा समझाएगा तो आप देख सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, क्या क्या इसको लेकर योग्यता मांगे, सैलरी आपको क्या मिलेगा, कब से कब तक आवेदन कर सकते हैं, कितना पद रहने वाला है, इसमें जानकारी बताएगा। इसको लेकर ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो बिहार के लोगों के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा, अदर स्टेट वाले को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हैं। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सबसे पहले बता दिए कौन से पद कितना सीट रहने वाला है, इसमें जानकारी दिया गया। तो सबसे पहले बात करते हैं, देख सकते टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पद रहने वाला है, इसमें पोस्ट की बात करते 2000 पोस्ट रहने वाला है। उसके बाद कनिष्ठ लेखा सहायक का जो पद रहने वाला है इसमें 300 पोस्ट रहने वाला है। पत्रचार लिपिक का जो पद रहने वाला है उसमें 150 पोस्ट रहने वाला है। स्टोर सहायक का 80 और जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO का 40 और सहायक कार्यकारी अभियंता GTO का 40 रखा गया है। इस तरीके से देख सकते हो टोटल पद 2610 पद रहने वाला है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क क्या क्या देना पड़ेगा, यानी कि अगर आप इसके लिए इच्छुक है तो जो भी ऑनलाइन आवेदन इसको लेकर तो लिया जाएगा, तो ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जनरल EBC और BC कैटेगरी से अगर आते हैं तो आपको 1500 रुपया लगेगा। वहीं पे SC और ST PWD महिला है या SC और ST से आते हैं तो आपको 375 रुपया देना पड़ेगा और भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन आपको किया जाएगा। ये आप तो समझ गए आवेदन शुल्क के बारे में। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर कौन से पद के लिए अगर आप आवेदन करें, जैसे पत्रचार लिपिक के लिए आवेदन करेंगे तो क्या योग्यता मांगा है, स्टोर सहायक के लिए करेंगे तो क्या योग्यता मांगा है, इसमें बारे में जानकारी दिएगा। हालांकि दोस्तों इस वेबसाइट के माध्यम से हम समझा रहे हैं, नोटिफिकेशन भी इसके रिगार्डिंग जारी किया गया, जो कि नोटिफिकेशन नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे जो भी महत्वपूर्ण लिंक का ऑप्शन दिया गया तो अलग अलग पद के लिए जो भी नोटिफिकेशन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड करके यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सेम जानकारी यहाँ पे हिंदी भाषा में अच्छी तरह से समझाया गया तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों ये तो आप जानकारी समझ जाएगा कौन से पद के लिए क्या योग्यता मांगा है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें बताया गया, सबसे पहले बात करते पद का नाम, यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं तो इसके जो शैक्षणिक जो मांगा गया है, किसी भी बोर्ड से मैट्रिक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ इलेक्ट्रीशियन का जो है 2 साल का ITI आपका रहना चाहिए, ITI कोर्स किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ये जानकारी दिया गया। निष्ठ लेखा लिपिक का जो पद रहने वाले, इसमें जो योग्यता मांग गया किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से यानी कि कॉमर्स से स्नातक पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि पत्रचार लिपिक और स्टोर सहायक का जो पद रहे इसमें दोनों का यानी कि एक ही योग्यता मांग है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्नातक पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ साथ जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का भी GTO का भी इसमें बोला गया है, सहायक कार्यकारी अभियंता यानी GTO का भी इसमें बोला गया समझते हैं। जूनियर इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियरिंग है इसके लिए जो मांगा गया है राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इतवत मान्यता प्राप्त किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से या कॉलेज से इलेक्ट्रिकल में पूर्णकालिक 3 साल का डिप्लोमा एंड NICT द्वारा अनुमोदित किसी भी संस्था से किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल से अगर आप डिप्लोमा किए हैं 3 साल का जो होता है अगर किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और सहायक कार्यकारी का यानी कि अभियंता यानी GTO का जो पद रहने वाला है इसके लिए 4 साल का मांग है, जैसे 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री है आपके पास तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो योग्यता के बारे में समझ लिया, बात कर लेते हैं इसको लेकर क्या एज लिमिट के बारे में बताया गया था। यहाँ समझ सकते हैं टेक्नीशियन का जो पद रहने वाला है इसका जो मिनिमम एज यानी कम से कम 18 वर्ष बोला गया और मैक्सिमम आपका 37 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। वहीं पर जूनियर अकाउंट क्लर्क का जो पद रहने वाला है मिनिमम यानी कम से कम 21 और मैक्सिमम आपका 37 रहने वाला है।
उसके बाद यहाँ से देख सकते स्टोर असिस्टेंट का जो पद रहने वाला है कम से कम 21 और मैक्सिमम 37 रहने वाला है, यानी कि कम से कम बात करते 18 ही दिया गया है और मैक्सिमम 37 वर्ष दिया गया है सभी पद के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो भी आपका एज कैलकुलेशन होगा 31 मार्च 2024 से जोड़ा जाएगा कि आपका क्या उम्र सीमा हो रहा है, इस बात को ध्यान रखें। और उम्र सीमा में जो भी आपका छूट वगैरह के बारे में जो बोला गया इसके जो भी है नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, तो आप ध्यान में रखिएगा। एससी और एसटी वाले के थोड़ा छूट मिलता है और बाकी सबके लिए थोड़ा बहुत छूट मिलता है तो आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा यानी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आपको बताया गया। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के चयन प्रक्रिया सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद दस्तावेज सत्यापन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद चिकित्सा प्रशिक्षण यानी कि जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं रिटेन एग्जाम आपका होगा सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना, ये यानी तीन तरह का होगा। उसके बाद जो लास्ट वाला जो पद रखने वाला है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग यानी कि जीटीओ का जो पद रहने वाला है इसको स्कोर के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा। बाकी के जो ये पद दिखाई देगा इसके लिए तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन ये जो लास्ट वाला पद है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यानी जीटीओ का पद रहने वाला है इसके लिए आपको गेट स्कोर जो होता है गेट का एग्जाम होता है उसमें आपका स्कोर के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जब भी आप अप्लाई करेंगे फॉर्म उस समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, तो आपको एप्लीकेशन जो ऑल रिक्वायर्ड जो सर्टिफिकेट जो मांग गया है इसमें क्या क्या सर्टिफिकेट जो योग्यता के बारे में मांगे है ये आपको देना पड़ेगा जिस भी चीज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, साथ साथ आधार कार्ड पैन कार्ड पासपोर्ट साइज फोटो कार्ड सर्टिफिकेट मोबाइल नंबर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और भी डॉक्यूमेंट आपको लग सकता है। नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसमें किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है तो सबसे पहले बता दें दोस्तों इसके रिगार्डिंग तो फॉर्म जो अप्लाई की प्रक्रिया जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया जाएगा, यानी फिलहाल नोटिफिकेशन में भी यही जानकारी दिया गया है और यहाँ पर भी वही जानकारी दिया गया जो भी अप्लाई का जो प्रोसेस है 1 अप्रैल 2024 से शुरू किया जाएगा और लास्ट डेट 30 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। तब तक अपना जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह की जो बात है आप अपना सही तरीके से संभाल कर रखिए, अच्छी तरह से देख रेख कर लीजिए ताकि वो किसी प्रकार का दिक्कत ना हो आप ऑनलाइन अप्लाई करते समय। दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको वीडियो समझने में किसी प्रकार का अगर दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उससे सुधार कर सकें। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आप अपने आधार पर इसको जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है आप अपने आधार पर भी देख सकते हैं अच्छी तरह से समझ सकते हैं। चलिए वीडियो करते हैं समाप्त।